हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप सभी को पता है कि टोटल 3 दिनों में 10 शिफ्ट में आपके पेपर कंप्लीट हुए। 24th ऑफ अगस्त, 25th ऑफ अगस्त और 31st ऑफ अगस्त को आपके पेपर हुए। तो इन तीनों दिनों के पेपर के कंप्लीट होने के बाद हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन रहा होगा, स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या, ओवरऑल कट ऑफ क्या, सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे इस सेशन में। तो अभी ये डेटा कहाँ से लिया गया, सबसे पहले जितने भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपके पोल्स होते हैं, टेलीग्राम्स पे आपके पोल्स होते हैं, उन सभी डेटा को एनालाइज करके ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया गया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी 3 के रेंज का बनाया गया, मतलब 71 to 73, 72 to 74, इस तरीके के रेंज का लिया गया। सो दैट एक अपर लिमिट और ज़्यादा लोअर लिमिट में ज़्यादा का डिफरेंस आपको ना देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है ये आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हो एक्जैक्टली बन जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पर होना है। क्या पता अपर जो आपकी लोएस्ट वैल्यू थी, जो मतलब जो आपका सबसे सिंपलेस्ट शिफ्ट था, उसको अगर बेस मान के करेगा तो सबके नंबर बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा। अगर जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट था उसको बेस माना जाएगा तो सबके नंबर लोअर करे जाएंगे, कम किए जाएंगे, तो आपका कट ऑफ धीरे कम मिलेगा। तो इस सेशन में स्टेट वाइज कट ऑफ को डिस्कस कर रहा हूँ। अब जिनका भी पेपर आरआरबी क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क का अच्छा नहीं गया, या फिर जो भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ 2024 की तैयारी करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि अब सारे आपके पीओ के एग्जाम्स आएंगे। आईबीपीएस पीओ आएगा, फिर एसबीआई पीओ आएगा, उसके बाद एसबीआई क्लर्क आएगा। तो अपकमिंग 2 एग्जाम्स आपके पीओ लेवल के एग्जाम्स हैं और उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप भी आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की बुक आती है केवाईसी बुक करके, इस तरह की बुक आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी मिल जाएगी, इंग्लिश का सेक्शन मिल जाएगा और बैंकिंग अवेयरनेस मिल जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी फॉर्मेट पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरी वाइज आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। पहले आपको हर एक चैप्टर का थ्योरी बताया जाएगा, फिर उन थ्योरीज पे रिलेटेड आपके क्वेश्चन फ्रेम करके गिवन होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो दैट कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपकी नंबर ऑफ प्रैक्टिस इतनी होगी रहेगी, आपको लगेगा कि इस पैटर्न पे तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हुआ है पहले से भी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक है पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की केवाईसी बुक का, डेफिनेटली जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं। एंड जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा कि जो चीज़ें आपने प्रैक्टिस करी थी वो एज इट इज आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इन सारी बुक्स का लिंक है, चाहे आप केवाईसी की क्वांट की बुक लेना चाहते हो, केवाईसी की रीजनिंग का, केवाईसी की इंग्लिश का, या फिर केवाईसी बैंकिंग गवर्नेंस का, सारी बुक्स का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं या फिर आप पीडब्ल्यू स्टोर से भी कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं अपने सेशन पे। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं एक एक करके, मैं स्टेट वाइज आपको कट ऑफ यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि +-2 आपको जो यहाँ पे दिख रहा है उसी को आप देखें। पहले आंध्र प्रदेश से बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी कट ऑफ है 79 to 81 के बीच में आपको दिखता हुआ मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लोगे, इस बार आपको कट ऑफ 77 to 79 मिलेगा। असम 78 to 80 के बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा। बिहार की बात करोगे 77 to 79 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में थोड़ा सा ना एक ये भी है कि बिहार का अनसर्टेन होता है, किसी किसी बार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी बार जैसे आपने लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में देखा वो 45 कट ऑफ चला गया था, तो बिहार एक अनसर्टेन सा स्टेट है। छत्तीसगढ़ 75 to 77 के बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा। गुजरात की बात कर लेते हैं 75 to 77, हरियाणा 79 to 81, हिमाचल प्रदेश आपको पता है कि हमेशा से ही हाई कट ऑफ जोन रहता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये सबके सभी, तो आपको 82 to 84 देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज कट ऑफ इस बार आपका 83 to 85 के बीच में देखेगा। झारखंड की बात कर ले तो 80 to 82 के बीच में आपको झारखंड का कट ऑफ दिखता हुआ मिलेगा। कर्नाटका 69 to 71, क्योंकि कर्नाटका में अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन करोगे वैकेंसीज में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, इसीलिए आपको इस यहाँ पे कट ऑफ गिरता हुआ नजर आ रख सकता है। केरला 77 to 79, मध्य प्रदेश 77 to 79, मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सिमिलर ही वैकेंसीज थी, कुछ ज़्यादा वैकेंसी कुछ कम वैकेंसीज ही है। महाराष्ट्र 71 to 73 के बीच में वैकेंसीज आपको देखने कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के आपके स्टेट हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसके बहुत कम पोल डेटा मिले हैं। जो डेटा मिले मैं उसके साथ कर रहा हूँ, मे बी इसका डेटा कम भी जा सकता है रिजल्ट इसका कट ऑफ, और ज़्यादा भी आ सकता है। तो मणिपुर का 75 to 77, मेघालय 70 to 74, मिजोरम 71 to 73, नागालैंड 70 to 72, उड़ीसा आपको 82 to 84 के बीच में देखेगा। पिछले साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया था, इस बार हाई कट ऑफ जोन रहेगा लेकिन पिछले साल से तो कम रहेगा। पंजाब 79 to 81, राजस्थान की बात कर लेते हैं 79 to 81, इसमें दिल्ली का कट ऑफ मैंने ऐड नहीं किया, एक बार देख लो। तमिलनाडु 66 to 68, तेलंगाना 74 to 76, त्रिपुरा 77 to 79, उत्तर प्रदेश 75 to 77, उत्तराखंड 78 to 80 और वेस्ट बंगाल का 80 to 82 है। इसमें एक प्रिंट प्रोग्राम मिस हो गया दिल्ली का, अगर आप
दिल्ली जोन से आपने फिल किया, तो 78 to 80 मतलब या 77 to 79 के बीच में आपको कट ऑफ दिल्ली जोन में इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसीज कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के बहुत ज़्यादा हुए, तो 80 का एक बेंचमार्क लेके चलते हैं, 78 to 80 आपको इस बार दिल्ली जोन से आईपीएस क्लर्क का कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा। तो ये थे ओवरऑल सारे के सारे स्टेट्स जिसमें आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा, ये स्टेट आपकी जनरल कैटेगरी के हैं। तो आप किस स्टेट से हो और आपने कितने अटेम्प्ट्स किए अगर आप चाहो तो इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।